आज हम बनाएंगे उकर पिंडी। ये विनिंग रेसिपी है डॉक्टर शैलजा भंसाली की। तो उकर पिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, घी, राई, हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ते, नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हमें एक पैन में थोड़ा घी लेना है और इसमें हम भूनेंगे ये गेहूं का आटा। तब तक भून लीजिए जब तक भुने हुए आटे की खुशबू आ जाए। अब ये भुने हुए आटे को हम साइड में रख लेते हैं और इसका तड़का तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं ये बचा हुआ घी। सो तड़के में सबसे पहले हम डालेंगे राई, जीरा। राई फूटने के बाद और जीरा का कलर चेंज होने के बाद हम डालेंगे इसमें हींग। बस इसे भून लीजिए आप अच्छी तरह से। फिर हम डालेंगे इसमें करी पत्ता और थोड़ी हल्दी पाउडर, इसे भी आप भून लीजिए। अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी में हम डालेंगे नमक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब जैसे पानी में उबाल आना शुरू हो जाता है वैसे हम इसमें धीरे धीरे करके ये आटा ऐड करते जाएंगे। इसे आपको इस तरह से मिक्स करते हुए करना है। ये देखिए, ये जो आटा है ये बराबर से अब मिक्स हो चुका है और ये जो मिक्सचर है ये पूरा थिक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे तुरंत सर्व करेंगे। सो ये उकर पिंडी को भी हम सर्व कर लेते हैं। एंड लेट्स गार्निश दिस विद सम स्प्रिग्स ऑफ कोरिएंडर। सो दिस इज उकर पिंडी फॉर यू। सर्व दिस पाइपिंग हॉट।